जानते हैं कि आप हमारी वेबसाइट से संस्करण प्रिंट कर सकते हैं। वहां आप नुस्खे भी बदल सकते हैं या आपको मिर्च कितनी तीखी लगती है। इस गाइड के वेब पेज का लिंक है नीचे विस्तार से। यह नुस्खा 3 लोगों के लिए है। यदि आपने संस्करण बदल दिया है तो कृपया इन मात्राओं का पालन करें। एक कटोरी में 1 कप झींगे लें। उस पर 2 टेबलस्पून नींबू का रस डाल दें। उस पर 1/2 चम्मच नमक छिड़के। अच्छी तरह से मलाएं। आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। एक निंजा फूड पैन में 1/2 कप खाना पकाने का तेल डालें। निंजा फूडी सोते और हाई में बदलकर चालू करें। 1/4 बड़े कटे हुए प्याज डालें। गहरा भूरा होने तक फ्राई करें। ब्राउन होने के बाद प्याज को हटा दें और अलग रख दें। हम बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। बचे हुए तेल में 2 तेज पत्ते डालें। 1/2 चम्मच जीरा डालें। 4 लौंग डालें। 2 काली इलायची डालें। उपयोग करने से पहले उन्हें खोलें। दालचीनी का 1/2 इंच का टुकड़ा डालें। हल्का फ्राई करें। बचा हुआ कटा हुआ प्याज डालें। प्याज का रंग बदलने तक भूनें। दो बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनें। झींगे जोड़े। झींगे को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। जब पानी सूखने लगे और झींगे सुनहरे हो जाएं, फिर 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर डालें। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालें। एक 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छी तरह मिलाने के लिए हिला। 2 मध्यम टमाटर का पेस्ट डालें। अच्छी तरह मिलाने के लिए हिलाएं। 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डालें। 1/2 कप भीगे हुए चावल डालें। 2 बड़े चम्मच नमक डालें। 1/2 कप पानी डालें। अच्छी तरह मिलाने के लिए हिलाएं। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दें। प्रेशर कुकर पर सेट करें। टाइमर को 3 मिनट पर सेट करें और शुरू करें। एक बार पूरा होने पर भाप निकालें और ढक्कन खोलें। कृपया कंपनी की सिफारिशों का पालन करें। सिफारिशों और सुरक्षा दिशा निर्देशों का ध्यान रखें। प्याज और पुदीने की पत्तियों से सजाकर अलग रख दें।